भारतीय गोल्डन जेनरेशन ऑफ एथलेटिक्स के एक और अविनाश साबले, टोक्यो में मिस किया था आपको, उस समय कोविड हुआ था, लेकिन अभी जो केनियन के साथ पिछले 10 बार से लगातार जीत रहे हैं और केनियन के बीच में जगह बनाना, देखो काफ़ी अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा मतलब ये हूँ कि गोल्ड नहीं जीत पाया, लेकिन खुश हूँ क्योंकि जैसे इस इवेंट में केनियंस मतलब क्लीन स्वीप होता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड केनियंस ही होते हैं, तो मैं जब रेस भाग रहा था तो मुझे यही था कि मुझे मेडल जीतना है तो मुझे केनियंस को बीट करना पड़ेगा, और मैं मेरी तैयारी जो थी वो अच्छी थी, और मैं बस लास्ट जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप की रेस है उसमें मैं खराब मतलब अच्छा नहीं कर पाया था, तो मुझे उसका काफ़ी दुख था कि मैं कुछ भी हो मुझे कॉमनवेल्थ में एक अच्छा करना ही करना है, तो ये था। और लास्ट स्कॉट सिमंस के आने से फर्क पड़ा, जो कोच आए हैं और वर्ल्ड एथलेटिक्स में जो किया था उससे अलग आपने स्ट्रेटेजी बनाई है? हाँ डेफिनेटली, देखो हमारे जो फेडरेशन ने प्लान बनाया था उन्होंने कोच मतलब स्कॉट सिमंस को ये किया था, मेरी ट्रेनिंग पहले भी अच्छी थी देखो, लेकिन जो एक स्ट्रेटेजी होती है हमें अगर वर्ल्ड लेवल पे जीतना है तो हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, तो मुझे वो फेडरेशन ने साई ने और टॉप्स ने जो फैसिलिटी दी है, जैसे मुझे ट्रेनिंग एक्सपोजर दिया है USA का दिया था, और उसके बीच में मुझे डायमंड लीग भी मिली है और कुछ कॉम्पिटिशन मैंने USA में भी खेले थे, तो मुझे उसका काफ़ी फ़ायदा हुआ क्योंकि मैं जैसे पहले ट्रेनिंग करता था, मैं अकेले ट्रेनिंग करता था इंडिया में, तो मैं ऐसे लगता था कि यार हम केनियंस के साथ नहीं जीत सकते, लेकिन जब मैं वहाँ जाके USA में ट्रेनिंग किया, मैंने उनको देखा और मैं कंपटीशन किया, तो मैं सोचा नहीं इतना ऐसी कोई असंभव चीज़ नहीं है। सियाचिन की ट्रेनिंग का आपको ओवरऑल तो ज़रूर फायदा हुआ? देखो मुझे पहले तो आर्मी की ट्रेनिंग का बहुत सारा मतलब फ़ायदा हुआ, और जो उस डिसिप्लिन का और ट्रेनिंग का, क्योंकि उस ट्रेनिंग ने मुझे इतना हार्ड बना दिया कि मैं किसी भी फील्ड में जाऊँगा तो मुझे ईजी लगता है, और वो डिसिप्लिन की वजह से मैं हमेशा अपना अच्छा प्रदर्शन करूँगा, क्योंकि देखो स्पोर्ट्स में डिसिप्लिन जरूरी है और डिसिप्लिन के बिना आप कुछ नहीं कर सकते किसी भी फील्ड में। एक आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, अब लोग आपको नीरज के जनरेशन नीरज से कंपेयर कर रहे हैं, टॉप लीग एथलीट में। देखो कंपेयर, देखो मैं ट्रैक इवेंट में ये हूँ, लॉन्ग डिस्टेंस में कंपेयर का तो कुछ नहीं, मुझे बस अपना बेस्ट देना है और आने वाले टाइम में भी मुझे अपना बेस्ट देना है, और जो कंपटीशन आएंगे जहाँ तक मेरे से ये हो, मैं जो मेरा ये है कि देश के लिए और भी वर्ल्ड लेवल पे मेडल जीतना है, ओलंपिक्स में मेडल जीतना है, तो मैं इसी के लिए अगले 2024 के लिए मेहनत करते रहूँगा।